हेलो गाइस एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेयर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइस आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो फिर से एक जेमसन है। तो मैं दो जेमसन का ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। एक थी जेमसन ट्रिपल डिस्टिल्ड जो नॉर्मल विस्की आती है उनकी बेसिक एडिशन, और एक थी जेमसन कास्क मेट्स स्टाउट एडिशन। तो आपको दोनों का लिंक आई बटन में मिल जाएगा। प्लीज़ गो एंड वॉच दीज वीडियोज़, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं और बहुत अच्छी विस्कीज़ भी हैं। बट आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है जेमसन ब्लैक बैरल। तो जेमसन की हिस्ट्री के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। जेमसन की जो वीडियो थी, जो उनका बेसिक एडिशन था ट्रिपल डिस्टिल्ड विस्की, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और उसके अलावा भी हम बहुत बात कर चुके हैं जेमसन की, उस वीडियो में भी जिसमें स्टाउट एडिशन हमने रिव्यू किया था, उसका भी लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। तो आज हम बात करते हैं जेमसन ब्लैक बैरल की। सो नाउ व्हाट इज़ दिस ब्लैक बैरल ऑल अबाउट? सो बेसिकली दिस जेमसन एडिशन इज़ अ ट्रिब्यूट टू देयर कूपर्स। अब वो कूपर्स क्या होते हैं? कूपर्स वो लोग होते हैं जो बैरल्स बनाते हैं, एंड ये कूपर्स बहुत पेन लेते हैं वो बैरल्स बनाने में, एंड दे आर वेरी मच डेडिकेटेड एंड पैशनेट फॉर देयर वर्क। तो वो बहुत मेहनत करके वो बैरल्स बनाते हैं, तो दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू देम। अभी मगर अभी भी एक ब्लैक बैरल कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? बर्बन विस्कीज एज पर द लॉ इन अमेरिका कैन नॉट बी मैच्योर्ड इन सेकेंड फिल और थर्ड फिल और अ कास्क विच हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। तो वो बिल्कुल न्यू बैरल्स होते हैं जिनमें डाला जाता है बर्बन विस्कीज़ को मैच्योर करने के लिए। मगर होता क्या है कि जब विस्कीज़ को मैच्योर किया जाता है तो उससे पहले कास्क को अंदर से जलाया जाता है। इट इज़ एक्चुअली चार्ड बिफोर द विस्की इज़ पुट इन द कास्क टू इन्विगरेट द कास्क, टू चार्ज द कास्क, टू अवेकन द कास्क इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स अ गुड कैरेक्टर टू द विस्की। उसके बाद जब अमेरिकन विस्कीज़ या बर्बन विस्कीज़ जो होती हैं, इफ़ वेन दे गेट मैच्योर्ड, दोज कास्क आर ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप और स्पेसिफिकली स्कॉटलैंड, वेयर इन दीज कास्क आर अगैन यूज टू मैच्योर द स्कॉच विस्कीज़ या फिर फॉर दैट मैटर आयरिश विस्कीज़। अब इस पर्टिकुलर विस्की में इन्होंने क्या किया, दिस इज़ बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ मॉल्ट विस्कीज़, पॉट स्टिल मॉल्ट विस्कीज़ एंड ग्रेन विस्कीज़। तो इन्होंने क्या किया है, इन दिस पर्टिकुलर विस्की दे मैच्योर्ड दीज विस्कीज़ इन दोज कास्क विच केम ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, दे वर ऑलरेडी चार्ज्ड एंड दे डबल चार्ज्ड इट, उसको दोबारा जलाया गया ताकि उसमें से जो वो बर्बन का कैरेक्टर था वो ख़त्म हो जाए एंड और चार्ज हो जाए ये बैरल, ताकि उसके बाद जो है इसमें और ज़्यादा कैरेक्टर इंड्यूस कर सके बैरल विस्की में। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट दिस विस्की ब्लैक बैरल, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक बैरल, क्योंकि उसको अंदर से जलाया गया था और वो जलने से काला हो गया था, इस वजह से इट इज़ कॉल्ड ब्लैक बैरल। That is pretty much it about the whiskey as a history. Let's open this whiskey, let's pour it and let's see what this whiskey has to offer. Let's get on to the tasting. चलिए, एक बहुत ही प्रीमियम कलर का ब्लैक कलर का बॉक्स है अगर मैं बात करूँ इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल डिस्टिल्ड आयरिश विस्की, ब्रांड ओन्ड इन आयरलैंड। एंड आपको पता ही है कि अगर कोई भी विस्की ड्रिंकर कहीं भी बात करता है एक आयरिश विस्की की, अगर किसी से भी पूछा जाए कहीं पर भी दुनिया में कि चार आयरिश विस्कीज़ का नाम लीजिए या पांच आयरिश विस्कीज़ का नाम लीजिए, तो सबसे पहला जो नाम आएगा वो जेमसन का ही आएगा। एज आई मेंशनड अर्लियर इन द वीडियोस, मोस्ट सेलिंग आयरिश विस्की इन द वर्ल्ड इज़ जेमसन। तो दैट्स अबाउट जेमसन। ब्लैक कलर का बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स है, बहुत अच्छी पैकेजिंग है। अगर आप देखें, दिस इज़ जेमसन ब्लैक बैरल फॉर यू। इसके पीछे लिखा हुआ भी है मैच्योर्ड एंड री अवेकेंड बर्बन बैरल्स फॉर अनदर लेवल ऑफ स्मूथनेस। इसके पीछे बताया हुआ भी है थोड़ी सी हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो अच्छा है, लेट्स ओपन इट, लेट्स सी कि व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बहुत ही अच्छी सी बॉटल दिख रही है। चलिए डब्बे को कर लेते हैं बंद।
दैट्स जेमसन ब्लैक बैरल फॉर यू गाइस. चलिए कर खोलते हैं इसको. तो चलिए खोलते हैं इसको. वाओ विस्की फायरवर्क्स. चलिए लेट्स पोर इट. तो गाइज मैं आपको बता दूं जब तक ये विस्की थोड़ी खुले कि इसमें एडेड कलर्स हैं, तो इसलिए कलर की तो मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं. आई जस्ट लेट यू नो व्हाट द कलर ऑफ द विस्की इज. तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग एंड टेस्टिंग ऑफ दिस विस्की. तो गाइज अगर मैं कलर की बात करूँ तो एक डार्क गोल्डनिश एम्बरिश टाइप ऑफ कलर है. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग. बटरस्कॉच फज ऑलमोस्ट क्रीमी काइंड ऑफ बटरी अरोमाज हैं. वुडी अरोमाज हैं इसमें. बर्नट वुड का अरोमा आ रहा है मुझे. वनीला ऑलमोस्ट सिनेमनी काइंड ऑफ अरोमा. क्वाइट अ बिट ऑफ फ्रूटीनेस आई वुड से. बहुत अच्छी विस्की है मतलब एज पर द नोज. और फ्रूट्स भी ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे कि बनाना हो गया. बहुत अच्छा नोज है इसका. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट. लेट्स सी कि उतनी अच्छी पैलेट में भी है क्या. चलिए I haven't got words to describe this. बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया. एक मुंह फिल कर देती है फ्लेवर्स. इट इज लाइक ओपनिंग अ बॉक्स ऑफ असॉर्टेड चॉकलेट्स. इतना बढ़िया फ्लेवर है इसका. आई कैन गेट दोज ट्रॉपिकल फ्रूट्स इन इट. आई कैन गेट वुडीनेस, क्वाइट अ बिट ऑफ वुडीनेस इन इट. A bit of vanilla in it, butterscotch, toffee, caramel. बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसका. चलिए let's get on to the second taste. Let's see कि second taste में क्या अलग दिखता है मुझे. Mouthfeel जो है वो ऑलमोस्ट आई वुड से इट इज काइंड ऑफ मीडियम बट ऑन द हायर साइड ऑफ मीडियम. एंड एक वुडीनेस, एक ओकीनेस, बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट ओकीनेस है इसमें. हल्का सा चार्ड वुड का फ्लेवर है और बहुत ही अच्छा स्वीट पैलेट है इसका. एज सून एज यू सिप इट द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इज स्वीट पैलेट. तो बहुत ही अच्छा पैलेट है मेरे हिसाब से इसका. अच्छा मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि हल्की सी स्पाइसीनेस और नटीनेस भी है इसमें ऑन द पैलेट. तो बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका. और अगर मैं फिनिश की बात करूँ तो आई कैन स्टिल गेट दैट फिनिश. तो इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग फिनिश आई वुड से. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग विद अ डैश ऑफ वाटर और देखते हैं कि कुछ असर होता है डैश ऑफ वाटर का. हल्का सा पानी डालेंगे. चले लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग हल्के से पानी के बाद. ओह वाओ
मैं बोलूँगा सारे के सारे जितने भी क्लोज्ड अरोमास थे वो सब खुल के आ रहे हैं. हल्का फ्लोरल अरोमा भी आ रहा है मुझे अलॉन्ग विद द वुडनेस ऑफ द ओक, अलॉन्ग विद द फ्रूटीनेस, अलॉन्ग विद ऑल दोज बटरस्कॉच एंड हनीड एंड कैरमल एंड फज अरोमास. बहुत ही अच्छा, मतलब खुल के अरोमा आ गया विथ जस्ट अ बिट ऑफ वाटर इन इट. वाओ, वेरी गुड अरोमा. वनीला भी खुल गया है, जो हल्का सा सबड्यूड था विस्की में एज इट इज, तो वो अब ज़्यादा खुल गया है. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट एंड लेट्स सी कि टेस्ट भी उतना एनहेंस हुआ है क्या. चलिए ब्यूटिफुल विस्की, स्वीटनेस अभी भी इंटैक्ट है, वो फ्लेवर्स ओकीनेस बटरस्कॉच फज वो अभी भी आ रहे हैं, स्पाइसीनेस नटीनेस अभी भी है, वनीला खुल गया है, ट्रॉपिकल नोट्स और आ रहे हैं मुझे, जैसे कि अब कोकोनट का भी फ्लेवर आ रहा है इसमें, और एक हल्का सा बहुत हल्का सा बट एक फ्लोरल नोट भी आ रहा है मुझे फ्लेवर पे. तो इट इज़ वेरी गुड टेस्ट विथ अ डैश ऑफ वाटर. इन माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी गुड विस्की इंडीड. अगर मैं इसके एफिशिनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8.5, बट ऑन द टेस्ट आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9.5, एंड इस विस्की का एफिशिनाडोज नंबर होता है 9. सो एज वी ऑलवेज से इन एफिशिनाडोज डेन, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. आई नो दिस विस्की इज़ वेरी गुड, आई वुड वाउच फॉर इट, बट प्लीज़ पी के मत गाड़ी चलाइए. प्लीज़ ड्रिंक इट रिस्पॉन्सिबली, बिकॉज आपने मेरी और भी वीडियोज़ देखनी है, आपने इसको शेयर भी करना है. सो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू हैपन टू यू गाइज. सो एज वी से इन एफिशिएंट डोज डेन, स्टे क्लासी एंड चीयर्स.